तो क्या बोलती पब्लिक, जय श्री राम। एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो अभी लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था कि जो हमारे दो भाई लोग मिले थे उन भाई लोग के साथ में, और साथ में अजय भाई भी है। और आज का दिन मतलब आपको कब से बता रहा कि बारिश कंटिन्यू चालू हुई है। बारिश में भीगते भीगते एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं मुंबई का राजा और चिंग मोगलिया चिंतामणि। आज दोनों अपा का साथ में पाँच से पूजन रखा गया है। तो जिस कदर बारिश हो रही है हम लोग को ऐसा लग तो नहीं है कि मतलब ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर रहेगी, लेकिन तो भी वही उम्मीद में हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और अभी हम लोग परे लोकसभा से निकले, ये पूरा पीछे का रास्ता आपको देख के याद आता रहेगा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले आएंगे मुंबई का राजा बप्पा के दर्शन करेंगे पाँच पूजन के, और वहाँ पे किस प्रकार ढोल बैंजो पताके आपको सब दिखाते। और उसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चिंतामणि में जगन्नाथ महाराज जी की रथ यात्रा में पाँच पूजन रखे, मतलब वहाँ पर पूरा सोहरा होने वाला है। सदन लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज तक वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिए और हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा। पब्लिक भाग रहे धीरे धीरे गणेश गली की तरफ, मुंबई चला गणेश गली, और ढोल बैंजो की आवाज़ हम लोग को यहीं से आना शुरू हो चुकी है। अभी बहुत मजा आने वाली है, एक बार अंदर जाके पप्पा के पाद पूजन के दर्शन कर दें, उसके बाद देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। गर्दी बहुत हो चुकी है, हम लोग को लग रहा था कि बारिश के यहाँ पे ज्यादा पब्लिक नहीं आएगी, लेकिन पब्लिक आप सब देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा यहाँ पे आई हुई है। बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक में क्रेज है वो कितना ज्यादा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े और अंदर पाद्य पूजन की पूरी लाइन लगी हुई है। तो अभी मुंबई चले पप्पा के पाद्य पूजन में हमारी मुलाकात हुई है कांधा से। आप सब जानते रहोगे इनका कांधी वजह सजीव करके यूट्यूब का चैनल है और बहुत ही मस्त मस्त वीडियो बनाते, तो आप सब जरूर जाके एक बार देखिए। और काका कुछ कहना चाहते हो? अभी लास्ट तो हम लोग ने मंडप में जो ढोल पसा पता था कल्याण का था उसका हमने कवर किया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बजा रहे थे, बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे उसको शूट किया। आप जरूर ये वीडियो सब देखना कि इन्होंने कितने अच्छी तरह से किया। और अभी भी मुंबई का राजा के लिए आप पान पूजन के लिए आए हैं तो उसका भी दर्शन करते हैं, तो भाई की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। भाई को बहुत सपोर्ट कीजिए, आपके पैर की जरूरत है बहुत सारी। बड़े डाक्टर धन्यवाद। पब्लिक पप्पा के पाद पूजन में बहुत ज़्यादा थी और अभी पब्लिक कंटिन्यू जा रही है क्योंकि यहाँ पे अभी बैंजो चालू आप लोग ने देखा था। और अभी जो मेरे साथ में जितने भी लोग थे अजय भाई और अपने भाई लोग सब लोग अभी मतलब बिछड़ चुके हैं उतनी गर्मी में, आप तो जानते हो कि अब फोन कहाँ मिलने वाला है। और जो मेरा दूसरा फोन था मैंने स्विच ऑफ करके दर्ज में रख दिया कि इसका फोन आने का टेंशन ही नहीं। अभी डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ आगे चिंच मोगलिया चिंतामणि पप्पा के पाद पूजन में, तो आप सब वीडियो में कंटिन्यू इसी तरह बने रहो। यही है चिंतामणि का प्रवेश द्वार, यहाँ से बिल्कुल सामने। अभी मुझे यहाँ पे लाइटिंग वगैरह दिखाई दे रही है और माइक में कुछ तो अनाउंसमेंट भी चालू है,
जो कि इतना दूर से सुनना इम्पॉसिबल है। और अरे ऐसा पूरा रास्ते पे जो गिरा हुआ, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथ जी की रथ जो यहाँ पे लेके जाने वाले थे पाद्य पूजन में, वो लेकर जा चुके हैं। मतलब इस बार का जो थीम बेस भी है गणपति बप्पा का, वो जगन्नाथ महाराज जी के ऊपर ही रहेगा। तो एक बार जाते हैं आगे, पब्लिक तो बहुत सारी लौट रही है, एक बार हम लोग दर्शन करते हैं बप्पा के पाद्य के, और दर्शन आपको भी करवाते हैं। और जब ये पाद्य पूजन और आगमन का समय रहता है ना, ये पूरा मतलब चिंचमोगली स्टेशन में एकदम पैक हो जाता है। इतनी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक हो जाती है, हद से ज्यादा क्राउड हो जाते हैं, और वो टीसी लोग भी नहीं दिखते तो इतने सारे लोग तो आ रहे एकदम खुशी खुशी। तो इन लोग के बीच में एक बार हम लोग भी जाके देखते हैं, अंदर बप्पा के पाद्य के दर्शन लेते हैं। जो मैंने आपको अनाउंसमेंट बोला था वो अनाउंसमेंट नहीं चालू है, यहाँ पे बप्पा जी आरती चालू है। आज तक मेरे डायग्राम में सुन सकते हो कि आरती की आवाज आपको आती रहेगी। यही है वो रथ, देखिए सामने आपके, अभी सामने आरती चालू है। आइए एक बार जाते हैं आरती में। इतनी पब्लिक चिंचमोगली के ब्रिज पे से एंजॉय कर रही है क्योंकि नीचे इतनी ज्यादा गर्दी हो चुकी है और स्टेज पे जाने में बिल्कुल जगह नहीं है। गर्दी तो मैंने आपको जाने के टाइम पे बताया था कि मतलब इतनी ज़्यादा गर्दी रहती ना कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा गर्दी हो गई थी आज भी। तो इसके लिए मेरे को स्टेज पर आने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए मैंने आपको स्टेज पे चढ़ के पप्पा के पाद्य पूजन नहीं करा पाया। लेकिन मैंने आपको रथ यात्रा दिखाया जो कि जगन्नाथ महाराज जी का बनाया गया था, और इसके अलावा गर्दी इससे मेरा भी दिल खुश हो गया। तभी मैं पाया नहीं यहाँ से मौत आने घर की तरफ। आपको आज का पाद्य पूजन का वीडियो देखते कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइए, और ज़्यादा कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा बोरिया।